अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूटी टिप्स। जी, आप जानते हैं चल रहा है विंटर सीज़न, और विंटर सीज़न में हमें सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों को धोने का। और गर्म कपड़े धोने से अक्सर ये होता है कि स्वेटर्स धोए और जुड़ गए, नया स्वेटर लिया ख़राब हो गया। इसको धोने की टेक्निक साथ शेयर करूँगी। बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं समझ होती कि किस तरह से आपने अपने वुलन कपड़ों को हैंडल करना है, और साल साल बिल्कुल नए रहेंगे। ये स्वेटर आप देखिए, मेरा तकरीबन 5 साल पुराना स्वेटर है। इसको मैं हर सीज़न निकालती हूँ, हर सीज़न पहनती हूँ, और फिर भी बिल्कुल नया लगता है। तो इसका ये है कि जब भी आप स्वेटर्स को वॉश करें, हैंड वॉश करें, और कोशिश करें कि आप इनके ऊपर सॉफ्टनर का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब लास्ट वॉश रह जाए तो उसमें सॉफ्टनर डालना मत भूलें। अगर आप करते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल, तो तब भी अपने जो वुलन कपड़े होते हैं उन्हें धोने की कोशिश करें। कोशिश ज़्यादा करें कि आप हैंड वॉश ही करें, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप ज़रूर डालें अपने डिटर्जेंट के साथ सॉफ्टनर, और फिर इस्तेमाल करें नीम गर्म पानी में। अच्छा जी, जब आपने धोना है इसको, जब भी धोएं नीम गर्म पानी से धोएं। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से धोएंगे स्वेटर जुड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से धोएंगे स्वेटर जुड़ेगा, ख़राब होगा, डीशेप होगा। तो ये है कि इसको डालने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। स्पिन ज़रूर करें, स्पिनिंग का टाइम ज़रूर दें आप अपने स्वेटर्स को। फुली ऑटोमेटिक मशीन्स में तो खैर स्पिनिंग टाइम और हर चीज़ वो साथ साथ उन्होंने एडजस्ट की होती है, लेकिन जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उनका तरीक़ाकार डिफरेंट होता है। उसके लिए भी मैंने टिप्स दे दी आपको। अब जब आप इन्हें स्पिन करेंगे, तो स्पिन करने के बाद जब आपने इनको हैंग करना है, हैंग करने से पहले स्पिन करते हुए बहुत ज़्यादा हो जाता है ये क्या कहते हैं, इसके अंदर आ जाती हैं सिलवटें। तो सिलवटों को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, इसको पकड़ेंगे यहाँ घेरे से, कभी भी इसको ऊपर टॉप से नहीं झाड़ेंगे। जब भी आप टॉप से झाड़ते तो घेरा जो हो जाता है वो एक्सपैंड हो जाता है, शेपलेस हो जाता है स्वेटर। ये देखें, स्लीव्स भी मेरी कभी भी शेपलेस नहीं, घर के काम करूं जो भी करूं कभी भी स्लीवलेस नहीं, ये स्लीव्स इसकी ख़राब नहीं होती। तो इनको जब भी आप झाड़ेंगे नीचे से झाड़ेंगे, और कोशिश ये करें कि आप इसको कभी भी किसी तार पे या रस्सी पे नहीं डालें, हैंगर्स पे डालें, और इनको इनडोर ड्राई करें। इंडोर ड्राई करें, अगर हीटिंग सिस्टम अच्छा है इंडोर, नहीं तो धूप पे करें। तो ये बिल्कुल इन्हें आयरन करने की या इनको ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप घर में करें। आई होप ये यूज़फुल रहेगी आपके लिए टिप। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। थैंक यू।